करते हैं नंदलाल बोस की। मैं आपसे वो दौर साझा कर रही हूँ जब कला और क्रांति दोनों देश में एक साथ फैल रहे थे। कला में क्रांति थी और देश की आज़ादी की क्रांति में कला की गहरी पेठ। 3 दिसंबर 1882 खड़गपुर बिहार में जन्म लिया था नंदलाल ने। बचपन से ही उनकी रुचि कला की तरफ थी, लेकिन एक क्रांति उनको अपने जीवन में भी करनी पड़ी क्योंकि परिवार चाहता था कि नंदलाल उच्च शिक्षा लें, लेकिन नंदलाल चाहते थे कि वो कला में अपना हुनर दिखाएं। पर परिवार के दबाव के चलते 1898 में उन्हें हाई स्कूल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में उन्होंने 1902 में कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन नंदलाल का दिल जो था वो पढ़ाई में कम कलम से चित्र बनाने में जाता था। 1905 में उन्होंने हालांकि दबाव के चलते कॉमर्स में भी एडमिशन लिया, लेकिन उनका प्यार आखिरकार जीत गया और उन्होंने एडमिशन लिया फिर कलकत्ता के आर्ट स्कूल में। जनाब ये दौर थे, ये कला के प्रति उनका प्यार था और ये प्यार उन्होंने जब अपना कला के प्रति दिखाया और बाद में वो बने चेले अवनींद्रनाथ के। रविंद्रनाथ और टैगोर परिवार से खासे प्रभावित थे। प्रभावित वो महात्मा गांधी से भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के प्रति उनके डेडिकेशन, उनके प्यार को उन्होंने अपनी एक तस्वीर में भी उकेरा है। इसके साथ एक और महान और बड़ी बनाने वाली उन्हें ये बात कि हमारे देश का भाग्य, हमारे देश का विधान यानी हमारा संविधान, जिसे स्वर्णिम अक्षरों में अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट से सजाया संवारा था नंदलाल बोस ने। एक और मज़ेदार किस्सा आपको बताती हूँ, जहाँ पूरा देश एक दांडी मार्च की यात्रा को तो हम भूल नहीं सकते और उसमें जो गांधी जी की एक कदम बढ़ाए हुए तस्वीर थी, जिसके पीछे सारे देश ने अपने कदम बढ़ाए थे, वो तस्वीर बापूजी भी नंदलाल बोस की बनाई हुई थी। ये वो दौर था जब भारतीयता की कला की पोद रोपी जा रही थी। एक प्रसिद्ध चित्रकार इतिहासकार हैं पार्थोमिटर, उनका कहना है कि टैगोर एंड हिज फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स वर एंगेज्ड इन रिकवरिंग द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट। सच, उस वक्त का जो ये अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस और असित हल्दर, ये जो दौर था इन सभी कलाकार का, जेमिनी रॉय, जिन्होंने एक नई परिभाषा भारतीय कला को दी थी, जिसमें इन्होंने टेक्निक्स तो यूरोपियन लिए थे लेकिन उसमें हमारी माइथोलॉजी के अंश भरे थे। और ऐसा ही नंदलाल बोस के आरंभिक दिनों का भी था। उन्होंने शुरुआत की थी अजंता की गुफाओं में म्यूरल चित्रों के अध्ययन के साथ में, जो उनके बाद के जो चित्र हैं उनमें भी दिखाई देती है। जब आप उनका दूसरा पहलू देखेंगे, देशभक्ति से हटकर के जो दूसरा पहलू देखेंगे, जिसमें उन्होंने भारतीय मैथोलॉजी को स्थान दिया है, जिसमें उन्होंने वाटर कलर्स से काम किया है, वही टेम्पुरा टेक्निक्स से काम किया है, वॉश टेक्निक से काम किया है, उसमें आपको अजंता की एक छाप दिखेगी। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स में थी सीता, सती और शिव, उसमें आपको ये आसानी से देखने को मिलेगा। अवनींद्रनाथ के चेले रहे नंदलाल बोस ने वैसे एक नया अध्याय जोड़ा था भारतीय कला के अंदर। कला कलाकार को महान तो बना ही देती है। 1966 में नंदलाल बोस हमसे दूर हो गए, लेकिन उनकी कला ने उनको आज भी अमर कर रखा है। कला की ये सोच, ये जज्बा और ये अलख जगी रहनी चाहिए। बस यही सोच और जज्बा लेकर हर शनिवार को हम हाजिर होते हैं। अगले शनिवार मैं फिर हाजिर होंगी आपसे एक और कलाकार के बारे में बात करने के लिए। टिल देन, गुड बाय।